हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म हो गया, अब 8 फरवरी को किसका जोर चलेगा ये तो वक्त बताएगा। जी हाँ, सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे ठोक रही हैं, लेकिन 11 फरवरी को होने वाली काउंटिंग के दिन ये साफ होगा कि जनता किसके सिर पर दिल्ली का ताज सजाती है। जय श्री राम के जयकारे के बीच गृह मंत्री अमित शाह सीमापुरी की जनता के बीच पहुंचे। ये बड़ा रोड शो दिल्ली के नंद नगरी से दिलशाद गार्डन होते हुए यहां पहुंचा। अमित शाह ने सीमापुरी में एलजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। यहां से लोक जनशक्ति पार्टी के संतलाल चावरिया को टिकट दिया है। यहां पर बीजेपी नहीं बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी लड़ रही है, उसके प्रचार के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी तिमारपुर विधानसभा में भी खुली जीप में जनता के बीच बीजेपी उम्मीदवार का आशीर्वाद लेने पहुंचे। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे ने रोड शो के दौरान मनोज तिवारी से बीजेपी की सीटों को लेकर सवाल किया, तो सुनिए तिवारी जी ने क्या दावा किया। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है 52, तो मुझे लगता है कि ये 50 प्लस ही होगा। दिल्ली की बदहाली दूर करना ही मुद्दा है और दिल्ली के लोगों को सुरक्षित रखना मुद्दा है, दिल्ली को शांति बाग बनाना मुद्दा है। मनोज तिवारी दिल्ली को शांति बाग बनाने की बात कह रहे हैं, तो सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। शाहीन बाग कर रहे हैं। मैं शाहीन बाग के ऊपर भी चर्चा करने के लिए तैयार हूँ उनके साथ, लेकिन अमित शाह जी ने भी बहस करने से मना कर दिया। गीता में भी लिखा है कि मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए। एक सच्चा हिंदू जो होता है वो बहादुर होता है, वो मैदान छोड़ के इस तरह से भागता नहीं है। प्रचार के आखिरी दिन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपनी विधानसभा पटपड़गंज में 20 किलोमीटर लंबी पदयात्रा के लिए निकले। पदयात्रा के दौरान एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह से बातचीत में सिसोदिया ने कहा कि इस चुनाव के बाद हर राज्य में बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी होगी। लोग तय करके बैठ गए हैं कि अब हमें किसी झांसे में नहीं आना है, झाड़ू पे बटन दबाना है, केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। लोग जब कहते हैं कि बीजेपी नैरेटिव चेंज कर रही है, कर पाई है क्या? ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? इस चुनाव में जीत के बाद देखिएगा, बीजेपी को अपना नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा। बीजेपी को सारे राज्यों में शिक्षा स्वास्थ्य बात करनी पड़ेगी। कांग्रेस ने भी प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंक दी। 8 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है, उससे पहले सभी पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम है ये तो 11 फरवरी को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।